हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, वहीं कांग्रेस ने चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने से बातचीत की है R9 टीवी ने। क्या बातचीत हुई है सुनवाते आपको। हरियाणा में चुनावी माहौल बड़ा जबरदस्त चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल हरियाणा में जानने की चीज ये भी है कि हरियाणा में हरियाणा के वासियों के साथ अप्रवासी भी लोगों की संख्या बहुत है, क्योंकि उद्योग नगरी होने के नाते यहां पर उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत से लोग रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिझाने के लिए नई रणनीति चुनी है। उस रणनीति में 3 कलाकारों को शामिल किया गया है, खासकर बात करें तो मनोज तिवारी और एक कलाकार और निरहुआ, और इसके अलावा एक कलाकार को और लाया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं उन अप्रवासियों की जो वोट है वो भाजपा हासिल करे। कांग्रेस की क्या रणनीति से डिस्कस करते हैं। सर, आप भी किसी को लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मृदुल भाषा में गाएंगे और भोजपुरी गाएंगे तो सारे वोट जो है बिखरते हुए सारे हमारे पास आ जाएंगे, कांग्रेस के पास एक भी नहीं जाएंगे। ये हरियाणा के वोटर को मूर्ख समझते हैं। आपने 5 साल कुछ काम किया नहीं, किसी के लिए नहीं किया, अंत में क्या गाना गवा के ढोल बजवा के वोट मिल जाएंगे आपको। आज अप्रवासी हो या हरियाणा का रहने वाला हो, वो नौकरियों की चिंता है उसको, व्यापार की चिंता है उसको, वो तमाम चिंताएं उसकी आपने दूर की नहीं, उल्टा बढ़ा दी। आज महिला सुरक्षित नहीं है, मनोज तिवारी गाना गा के क्या मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी उस महिला को। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की सीट पर इस बार जो है आज की डेट पे सन्नी देओल प्रचार करने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब 2.5 किलो का हाथ एक बार हम दिखाएंगे तो जनता मोहित होगी और वोट सारे ही कैप्टन अभिमन्यु की झोली में गिर जाएंगे। तो फिर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, सनी देओल को ही बना दे। अमित शाह जाने वाले थे ना रैली करने, क्यों नहीं गए? मतलब समझ में आ गया कि अमित शाह की वहां दाल नहीं गलने वाली, तो अब सनी देओल को ले आए हैं। सनी देओल को ले आइए और पूरी इंडस्ट्री को बंबई से उठा के ले आइए, जीतने वाले नहीं। इन दिनों पूरे चुनावी प्रचार में अगर माहौल देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इतने बड़े लोगों ने सारा इलाका घेर लिया है। कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति, केवल अभी तक राहुल गांधी आए हैं, क्या सोनिया गांधी की और भी जो बड़े नेता हैं उनके दौरा करा रहे हैं आप, माहौल बना रहे हैं? हम आपको कार्यक्रम भी बता देंगे अभी थोड़े घंटों में, सोनिया जी का भी, मनमोहन सिंह जी का भी, और हमारे तमाम नेता, अभी आनंद शर्मा जी आए आपके सामने, अभी मनीष तिवारी आ रहे हैं, राजीव शुक्ला जी आ रहे हैं और पूरे इलाकों में घूम ही रहे हैं। सचिन पायलट जी आ रहे हैं, बघेल साहब आ रहे हैं, हमारे भी घूम रहे हैं। तो आपने सुना, दरअसल पवन खेड़ा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन बड़े लोगों को, उन बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं है। दरअसल वो चाहते हैं कि अगर बात हो तो केवल मुद्दे की, वो मुद्दे जो हरियाणा में आजकल चर्चा का विषय बने हैं, बेरोजगारी और तमाम उस प्रकार के मुद्दे जिस पर आज भी चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं कर रही है और केवल फिल्मी सितारों के जरिए अपना प्रचार प्रसार कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता है ये सब समझती है कि आखिर वोट उसका किसको मिलना चाहिए, वोट की चोट से वो किसको जिता सकती है, ये तो 24 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।